बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस CUVAS में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे, तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने वेब ब्राउज़र में CUVAS.edu.pk वेबसाइट ओपन कीजिए। जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ एडमिशन का टैब है, एडमिशन का बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपके पास एडमिशन्स का तीन कैटेगरीज मिलेंगे, एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट, एडमिशन अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा। आप जिसमें करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। फर्ज करें अंडर ग्रेजुएट पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तमाम जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन डेट्स और उसके बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स, फीस और बाकी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है जो आप देख सकते हैं। आए इसके बाद अब हम इसको अपने एडमिशन पोर्टल की तरफ जाते हैं। तो एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करने के लिए, एडमिशन पोर्टल को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अप्लाई ऑनलाइन नाउ। आए क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास admissions.cuvas.edu.pk ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें स्टेप करना है दैट इज रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने आप को आप रजिस्टर करने के लिए यहाँ रजिस्टर के बटन पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर करेंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले वो आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर पूछेगा। और अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सही तरीके से दीजिए, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देते हैं। फर्ज करें मैं यहां पे एक फिक्टिशियस शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैं अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस फोन नंबर और यहां पे पासवर्ड के लिए यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो सिस्टम ने रखी हुई हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक कैपिटल डिजिट, जैसे फर्ज करें मैं रखता हूं ए एडमिशंस का ए कैपिटल @1234। उसके बाद दोबारा इसको कंफर्म करूंगा और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूंगा। यहां पे उसने मुझे देखें कहा कि आपका ये शनाख्ती कार्ड नंबर पहले से मौजूद है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो चेंज करने के बाद दोबारा पासवर्ड दूंगा रजिस्टर करूंगा। तो ये देखिए ये सिस्टम ने मुझे रजिस्टर कर दिया। और अब आपका वेब ब्राउजर आपको ऑप्शन दे रहा है कि या इसको आप सेव कर लें या इसको वैसे रहने दें। मैं इसको सेव नहीं कर रहा। अब मुझे फर्दर जो प्रोसीजर करना है वो ये होगा कि मैं अप्लाई कैसे करूं। तो यहां आपके पास ऊपर टैब मौजूद है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और हमें क्या क्या चीजें जरूरत होंगी। उसके बाद आप एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। यहां पे एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो मुझे कहेगा कि जी आप अपनी प्रोफाइल बनाइए। तो प्रोफाइल बनाने के लिए मैं जो उसकी फील्ड्स हैं उनको फिल करता हूं, फुल नेम, फादर नेम, फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब यहां पे आपको एक चीज मद्देनजर रखनी है
कि हमारी जो बीएस डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसके लिए जो एज लिमिट है वो 26 साल है। अगर आप अपनी एज लिमिट 26 साल से ज़्यादा है आपकी, तो सिस्टम आपको कोई डिग्री ऑफर नहीं करेगा। वो आपको रजिस्टर तो कर लेगा मगर आपको आगे ऑफर कोई डिग्री ऑफर नहीं होने देगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे अपनी एज जो है वो 26 साल से, यकीनन जो हमारे बीएस प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं लोग, वो उनकी एज 26 साल से कम होती है। तो यहाँ से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सन 2001 करता हूँ, फर्ज करें अगस्त की 29 है मेरी डेट ऑफ बर्थ। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। लास्ट फाइनल डिग्री जो है वो यकीनन एफएससी होगी। बोर्ड जहाँ से मैंने किया, फर्ज करें बीआई बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप लिख सकते हैं कि आप क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं, या जो आप कोई अपनी कोई एक्स्ट्रा करिकुलम किसी हवाले से आपने कोई एक्सपर्टीज़ की हुई है तो वो आप लिख लें। मेरी नहीं है तो मैं उसको निल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, एक चेकबॉक्स है, दैट इज़ स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन का मतलब ये है कि आप में कोई डिसेबिलिटी है। आप इसको उस वक्त चेक लगाइए जब आप में कोई डिसेबिलिटी हो और उसको वेरीफाई किया गया हो एक सर्टिफिकेट के ज़रिए सोशल हॉस्पिटल सोशल सर्विसेज की तरफ से। सोशल सर्विसेज जो है ना वो आपको हॉस्पिटल से आप किसी वहाँ पे जाके आप ये सर्विसेज लेके आप उनको दिखाते हैं, चेक करते हैं, वो बोर्ड बैठता है और आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि आप डिसेबल हैं। तो जैसे ही आप ये इसको चेक लगाएंगे तो हमारा सिस्टम आपको एक स्पेशल कोटे में ले जाएगा जहाँ आपकी तमाम जो प्रोसेसिंग फ़ी है और उसके बाद अगर आपका दाखिला हो जाता है तो वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो लिहाजा इस चेक बटन को आपने, चेक बॉक्स को बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के चेक लगाना है। मैं क्योंकि डिसेबल नहीं हूँ तो मैं इसको चेक नहीं लगा रहा, इसको टिक नहीं लगा रहा। उसके बाद नेक्स्ट है हिफ्ज़े कुरान। अगर मैं हाफिज़े कुरान हूँ तो मेरे मार्क्स, टोटल मार्क्स में 20 मार्क्स जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद मेरा जो मेरिट बनेगा। अब यहाँ पे आप अपना कोई भी जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो लिख दीजिए। ABC बहावलपुर मैंने लिखा है सिर्फ एडमिशन के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0300। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे अब हमने अपने एडमिशन पोर्टल में एक चीज़ ऐड की है ताकि हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकें, तो हमने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। तो मेरा, अगर आपका कोई व्हाट्सएप नंबर उसी नंबर पे है जहाँ जो आपने अपने कॉन्टैक्ट के लिए दिया है तो वही दे दें, वरना जो आपका अलहदा से है तो वो यहाँ पे दे दें। गार्डियन का नंबर कोई भी है तो वो भी आप दे सकते हैं। गार्डियन से मुराद जो आपकी कफालत करने वाले हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस था वो दे दिया, जो मेरा असल ओरिजिनल ईमेल एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे आप ये कैप्चा है इसको आप चेक लगाइए कि आई एम नॉट अ रोबोट, और उसके बाद जैसे ही वो सिस्टम उसको चेक वेरीफाई करेगा तो यहाँ आप क्रिएट का बटन दबा दीजिए। ये देखिए अब आपकी प्रोफाइल जो है वो बन गई। अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी पिक्चर अपलोड कीजिए। यहाँ पे पिक्चर जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि पिक्चर मस्ट बी JPEG। तो JPEG के लिए मैंने पहले से एक पिक्चर जो है वो अपनी रखी हुई है, तो मैं ये यहाँ पे अपनी पिक्चर ये अपलोड कर रहा हूँ। तो देखें जैसे ही वो JPEG होगी तो सिस्टम खुद ही अपलोड का बटन ऑन कर देगा। अगर आपका फॉर्मेट JPEG के अलावा होगा तो सिस्टम उसको अपलोड की ऑप्शन नहीं देगा। ये देखिए मैंने अपलोड कर दिया। अब जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहां देखें तो मेरी पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। अब यहां हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां देखें तो उसने मुझे पहला जो कहा है कि रिमेनिंग अटैचमेंट्स अपने आप को आप अपलोड कीजिए, मगर उससे पहले आप पढ़ लीजिए कि प्लीज अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन क्लोजिंग डेट इज 31st 8 2022।
ओरिजिनल कॉपी ऑफ चालान फ्रॉम डिपॉजिटेड इन द एचबीएल ब्रांच, अटैच अ सेट ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, अ कॉपी ऑफ सीएनआईसी, वन फोटोग्राफ, अ कॉपी ऑफ डोमिसाइल फॉर कोटा सीट्स, ये आप लोगों ने अटैचमेंट करनी है। अब आप यहां ये देखिए कि जैसे ही मैं यहां आता हूं तो वो कहता है कि जी प्रिंट एप्लीकेशन डाउनलोड चालान देन प्रिंट बटन विल बी शोन। अगर आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चालान जनरेट करना होगा और फिर आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पे ये चीज जरा मलूज खातर रखिए कि जो चीज यहां पे रेड कलर में है तो वो जब तक आप उसको अपलोड नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका चालान जनरेट नहीं होगा या सिस्टम आपको आगे नहीं जाने देगा। तो ये देखिए यहां पे रेड कलर में सीएनआईसी या बे फॉर्म है फ्रंट साइड। मैं यहां पे अटैचमेंट के बटन को क्लिक करता हूं, यहां पे सीएनआईसी मैंने सेलेक्ट करना है फ्रंट साइड को। फर्ज करें यहां पे वो पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइटल, तो मैं कहूंगा सीएनआईसी फ्रंट। अब यहां पे मैं वो सीएनआईसी की फाइल को ब्राउज करके उसको अपलोड करूंगा। तो ये मेरा आईडी कार्ड और ये देखें ये भी जेपीजी की फॉर्मेट में है तो इसको मैं अपलोड कर देता हूं। अब वो कहता है कि ये देखिए कि अलाउड फाइल साइज इज मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 512 केबी। तो मेरी जो फाइल साइज है अगर आप यहां पे चेक करें तो वो फाइल साइज जो है वो मिनिमम है 52 केबी की है। तो मेरे पास एक और मैंने बना के रखा है जिसका 263 है तो मैं अब उसको अपलोड करने लगा हूं। तो यहां पे सीएनआईसी फ्रंट ये देखिए उसने अपलोड कर दिया। अब दोबारा बैक टू द एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कीजिए। अब दोबारा सीएनआईसी बैक साइड, मैं दोबारा अटैचमेंट पे जाऊंगा, सीएनआईसी बैक साइड, डॉक्यूमेंट टाइटल, सीएनआईसी बैक और ये वो पिक्चर, ये मैंने अपलोड कर दी बैक टू द एप्लीकेशन। अब आप ये देखिए यहां पे वो सारी चीजें उसने दे दी। अब मैंने यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैंने अपना एडमिशन प्रोग्राम लेवल वो सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में इस वक्त बीएस, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, एडीपी, एमफिल और पीएचडी जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। तो आप अपना एडमिशन लेवल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं क्योंकि बीएस में दाखिला लेना चाहता हूं तो चूज एडमिशन प्रोग्राम लेवल के बटन पर क्लिक करूंगा और यहां पे मैं ये पहला है डीवीएम 5 ईयर्स या बीएस 4 ईयर्स इस पे क्लिक करूंगा और क्रिएट के बटन को क्लिक करूंगा। जैसे ही ये बटन क्लियर होगा दोबारा उस फॉर्म पे मैं आ जाऊंगा। तो यहां ये देखिए कि उसने मुझे कह दिया कि जो मेरा एडमिशन लेवल है वो डीवीएम 5 ईयर्स है या बीएस 4 ईयर्स है। अब यहां पे पहला काम जो मैं करूंगा कि जैसे ही मैंने अपना लेवल क्रिएट किया है तो सिस्टम ने मुझे कहा है कि आप अपनी एडमिशन प्रोसेसिंग फी चालान जनरेट कीजिए। तो ये देखिए मैं इस पे बटन पे क्लिक करूंगा और यहां पे अपना एडमिशन प्रोसेसिंग चालान डाउनलोड कर लूंगा। ये देखिए मैंने डाउनलोड किया तो मेरे सामने ये मेरा एडमिशन प्रोसेसिंग फी आ गई, उसका चालान आ गया। और उसके साथ जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहां ये देखिए कि ये अटैचमेंट के अंदर यहां पे ये फीस जो चालान मैंने डाउनलोड किया है उसकी ऑप्शन भी आ गई। और सबसे ऊपर अगर आप यहां पे देखें तो ये देखिए कि यहां पे भी दोबारा वो ऑप्शन आ गई है और हम इसको बाद में अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं। अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो ऐड करना है। अगर मैं एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड नहीं करूंगा तो सिस्टम मुझे किसी डिग्री में अप्लाई करने की पेशकश नहीं करेगा। तो आए हम इसको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड करते हैं। यहां पे ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा, ऐड न्यू एकेडमिक रिकॉर्ड। अब सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है कि जी आपका एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है। मैंने कहा जी मेरा मैट्रिक, क्योंकि हमने इस अपने एडमिशन सिस्टम में दो चीजों की रिक्वायरमेंट की है कि हमें मैट्रिक के मार्क्स चाहिए और आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स चाहिए। तो मैट्रिक क्योंकि एनुअल सिस्टम में होता है तो एनुअल सिस्टम में आइए, या एग्जामिनेशन नेम जो है वो मैट्रिक लिखिए, एग्जामिनेशन लेवल जो है वो ये मैट्रिकुलेशन, यहां से ये सिलेक्ट कीजिए। बोर्ड जो है वो मेरा भावलपुर बोर्ड है। रोल नंबर फर्ज करें मैं कहता हूं कि जी 1234 है। एग्जामिनेशन टर्म जो है वो, अब यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं तो यहां देखिए फर्स्ट एनुअल
आपका जो एनुअल सिस्टम, एनुअल जो आपका रिजल्ट होता है, सेकंड एनुअल अगर आपने सप्ली में पास किया है, तो फर्स्ट एनुअल मैं सिलेक्ट करूंगा, पासिंग ईयर मैं कहता हूं कि जी 2021 है, उसके बाद टोटल मार्क्स मेरे फर्ज करें 550, ऑब्टेन मार्क्स मेरे हैं जी फर्ज करें 512, मेजर सब्जेक्ट्स मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अच्छा सॉरी ये हम मैट्रिक के कर रहे हैं, तो मैट्रिक में मेरे मार्क्स जो होंगे वो 1100 होंगे, क्योंकि ये मैं पास कर चुका हूं और इसमें जो मेरे मार्क्स होंगे फर्ज करें 900 हैं। यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यही साइंस में होते हैं, वो आप लिखेंगे, और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो, क्योंकि मैंने 2021 में की है, तो यहाँ से मैं रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ये लिख देता हूँ, फर्ज करें मैं कहता हूँ जुलाई की 29 तारीख, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ ये देखिए मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड आ चुका है। अब मैं दोबारा अपने FSC के मार्क्स जो 11वीं जमात के हैं वो जमा कराऊँगा, इसमें ऐड करूँगा। यहाँ पे आप एनुअल सिस्टम में आइए, FSC एग्जामिनेशन लेवल इंटरमीडिएट, बावलपुर बोर्ड, रोल नंबर, एग्जामिनेशन टर्म फर्स्ट एनुअल, पासिंग ईयर, अब आप ये कहते हैं कि जी 2022, टोटल मार्क्स 550, ऑब्टेन मार्क्स 500, मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आप कहते हैं, और ये इसकी हम रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आज की डाल देते हैं और क्रिएट पे चले जाते हैं। तो ये देखिए मेरे पास मैट्रिक और FSC के मार्क्स आ गए। अब मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन की तरफ जाता हूँ, ये देखिए मैंने इस बटन पे क्लिक किया, बैक टू द एप्लीकेशन। जैसे मैं जाऊँगा तो अब उसने मुझे देखें कि अटैचमेंट में मुझे कहा है कि जी मैट्रिक और FSC के रिजल्ट्स जो हैं वो अपने, रिजल्ट कार्ड जो हैं वो अपने अपलोड कीजिए। अब मैं जब तक ये अपलोड नहीं करूँगा तो सिस्टम मुझे आगे नहीं जाने देगा, तो मैं अटैचमेंट में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मैट्रिक चालान, मैट्रिक की डिग्री में अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैट्रिक पे आया और यहाँ पे मैंने अपना, फर्ज करें मेरे पास ये मैट्रिक की डिग्री पड़ी हुई है, ये मैट्रिक की डिग्री मैंने अपलोड की, बैक टू द एप्लीकेशन, उसके बाद FSC की डिग्री मैंने अपलोड करनी है या रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है, FSC, और उसके बाद जो FSC की मेरी डिग्री है या रिजल्ट कार्ड है वो मैं अपलोड करूँगा। अब आप ये देखिए कि जैसे मैं ये मैंने सारा कुछ किया है, तो अगर आप ऊपर से देखें तो यहाँ से वो सारे चीज़ें जो मैंने अपलोड की हैं वो यहाँ इस यहाँ से निकल गई हैं, और मेरी एप्लीकेशन में एक नई चीज़ ऐड हो गई है, दैट इज़ एडमिशन प्रोग्राम, रीड एडमिशन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। यहाँ पे ये देखिए एंड में जो जो चीज़ें मैं अपलोड करता गया हूँ उनके जो है वो हाइपरलिंक्स भी बनते जा रहे हैं और यहाँ पे वो ब्लू भी होते जा रहे हैं। तो देखें मैंने जो जो चीज़ें अपलोड की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये देखिए, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे जो फाइनल काम करूँगा वो ये है कि जी मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक करूँगा ताकि मैं अपनी मुतलका डिग्री में अप्लाई कर सकूँ, तो मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे अप्लाई इन प्रोग्राम्स, क्योंकि मैं BS में हूँ तो BS के तमाम प्रोग्राम्स में मुझे यहाँ पे शो होगा। जैसे ही मैंने अप्लाई प्रोग्राम पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसने मुझे लिस्ट दे दी कि हम जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं उनमें से आप किस पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन में अप्लाई करना चाहता हूँ, DVM में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो DVM में अप्लाई करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर मैट्रिक विद साइंस, ये देखें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए, तो वो इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास कोटा की ऑप्शन है, कोटा हमारे पास 4 कोटाज हैं, एम्प्लॉय चाइल्ड फैकल्टी जो सिर्फ चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए है, एम्प्लॉयज चाइल्ड एडमिन जो चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हैं उनके एडमिन के अंदर जो काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनके लिए है, वेटनेरियन चाइल्ड्स हैं, वेटनेरियन चाइल्ड से मुराद ये है कि जो एप्लीकेंट है उनके फादर वो उन्होंने DVM किया हुआ हो और वो प्रैक्टिस करते हों और कम अज कम उनको DVM किए हुए 3 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका हो।
तो वो अपने सर्टिफिकेट्स भी साथ लगाएंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट चाइल्ड वो हैं जो जिन्होंने डीवीएम किया हुआ है, या अगर डीवीएम नहीं किया हुआ उनके फादर ने, तो वो कोई वेटनरी का कोई बिजनेस करते हैं और एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं, इंडियन हैं और वो टैक्स पे करते हैं। तो मैं चूंकि इनमें से कोई भी नहीं हूं, तो लिहाजा मैं ये देखें ओपन कोटा के ऊपर। अब यहां पे एक सवाल है कि जो भी एप्लीकेंट इसमें अप्लाई करेगा वो ओपन कोटा पे ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ये देखें ये डिम हुआ हुआ है। तो मैं यहां पे अपने आप को डीवीएम के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्रिएट का बटन मैंने दबाया। तो अब जनाब जैसे हुआ तो उसने मुझे कहा कि अगर आप किसी और डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं यहां पे जाके ये देखें मैंने जब डीवीएम में अप्लाई कर लिया तो वो डीवीएम यहां से लिस्ट से निकल गया, बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम जो वो ऑफर कर रहा है। तो मैं किसी और में नहीं करना चाहता, तो मैं दोबारा एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। यहां पे जैसे मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो यहां ये देखिए उसने मुझे कहा कि जी आप डीवीएम के अंदर आपने अप्लाई किया है, ओपन मेरिट के अंदर किया है, डोमिसाइल कोटा आपका कोई नहीं है, तो अब आप अपना चालान डाउनलोड कीजिए। ये देखिए ये चालान है, उसके नीचे डाउनलोड का बटन आ चुका है। ये मैं अपना चालान डाउनलोड करूंगा। ये देखिए मैंने चालान डाउनलोड कर लिया। ये चालान याद रखिए कि जिस डिग्री में मैं अप्लाई करूंगा वो 200 रुपए का होगा। एडमिशन प्रोसेसिंग फी जो है वो 800 रुपए है, जो हम उसके लिए चालान पहले डाउनलोड कर चुके हैं और वो उसकी ऑप्शन यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद ये मैंने डीवीएम के अंदर अप्लाई किया तो मेरे पास 200 रुपए का चालान भी डाउनलोड हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करूंगा और लॉग आउट करने के बाद मैं बैंक जाऊंगा और जो दोनों चालान हैं उनको बैंक में पे करूंगा और पे करने के बाद इसको दोबारा आके अपलोड करूंगा। अब यहां पे ये देखिए कि मैं अगर इसको लॉग आउट करता हूं तो लॉग आउट करते ही देखिए वो जब मैं दोबारा लॉग इन करना चाहता हूं तो यहां पे एक चीज जहन में रखने वाली है कि हमारा सिस्टम आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजता है जो आपके जो प्रोवाइडेड या आपने जो हमें अपना ईमेल एड्रेस सिस्टम में दिया है उसके ऊपर वो आपको एक ईमेल भेजता है ताकि ये पता चल सके कि आप एक जेन्युइन यूजर हैं और आप रोबोट नहीं हैं जो हमारे सिस्टम में खामखा एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहा है। तो आप अपने ईमेल एड्रेस में जाएंगे तो वहां जाके अगर आप देखेंगे तो आपको एडमिशन सिस्टम की तरफ से आपको एक ईमेल आ चुकी होगी, तो वो आप यहां से देख सकते हैं। ये ईमेल बाज दफा स्पैम में भी आती है तो स्पैम का फोल्डर चेक करेंगे आप, ठीक है, तो यहां पे भी आपको ईमेल आ सकती है। तो लिहाजा आप अपने ईमेल वगैरह चेक करेंगे और वहां से दोबारा उसको कंफर्मेशन करने के बाद दोबारा यहां लॉगिन पे जाएंगे तो यहां आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देंगे और यहां पे लॉगिन होके आपने जो चालान पे किए हैं उनको अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी और आपकी एप्लीकेशन हमारे पास कंप्लीट तसव्वुर की जाएगी। उसके बाद फिर अब आप हमारे दिए हुए हमारी वेबसाइट के ऊपर जो डेट्स दी गई हैं उसके मुताबिक आप अपनी मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।